बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? फर्स्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था अस्माउल हुस्ना, उसकी रीडिंग की थी और कुछ अल्लाह ताला के नाम थे जो चैप्टर में दिए हुए थे, वो भी आपने राइट करने थे और लर्न भी करने थे। उम्मीद है कि आपने वो कर लिए होंगे और उसका टेस्ट मैं आपसे ग्रुप जो बनाया है व्हाट्सएप उसमें ले लूँगी। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस चैप्टर में हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में चंद बातें पढ़ेंगे कि उनकी शख्सियत कैसी थी, उनके ज़िंदगी में क्या क्या वाक़यात हुए और उनका लोगों के साथ कैसा रवैया था, उनसे चंद एक बातें। तो अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपके पास पेंसिल भी होनी चाहिए, चंद लफ्ज़ हम अंडरलाइन करेंगे ब्लैंक्स के तौर पे, वो आपने अंडरलाइन करनी है। अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में पैदा हुए। मक्का मुकरमा को अंडरलाइन करना है, यानी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश में पैदा हुए मक्का मुकरमा में। उनकी परवरिश कबीला बनु साद के गाँव में हुई, ये गांव ताइफ से करीब है। 5 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस आ गए और मक्का में ही बड़े हुए। यानी कि पहले रिवाज था कि जब बच्चे पैदा होते थे तो बच्चों को शहर से दूर किसी गांव में भेज दिया जाता था बड़े होने के लिए। तो इस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहर से दूर एक गाँव में भेज दिया गया और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 साल के हुए तो फिर वो मक्का वापस आ गए और वहाँ पर वो बड़े हुए। 25 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी फरीजा नामी एक खातून से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारोबार के सिलसिले में शाम ही गए। मक्का शहर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत इज्जत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी ही के ज़माने में खाना काबा की तामीर दोबारा करना पड़ी क्योंकि पुरानी इमारत बहुत टूट फूट गई थी। इस इमारत की तामीर जब मुकम्मल हो गई तो मुख्तलिफ कबीलों के लोगों में झगड़ा हो गया। झगड़े की वजह एक मुतबर्रिक पत्थर था जो आज भी खाना काबा में मौजूद है, उसे हजरे अस्वद कहते हैं। ये पत्थर जो है ये पहले भी खाना काबा की जो पहली इमारत थी उसमें था और जब इमारत पुरानी हो गई तो फिर इस पत्थर को एक साइड पर कर दिया और इमारत दोबारा बनाई गई। जब इमारत बन गई तो फिर इस हजरे अस्वद को वहाँ पे लगाना था तो फिर उसके लिए हर शख्स जो था वो चाहता था कि वो पत्थर रखे, तो वो पत्थर जो है वो हजरे अस्वद है। हर कबीले का सरदार चाहता था कि वो पत्थर अपने हाथ से रखे लेकिन पत्थर एक था और सरदार बहुत से। बिलाखिर उनमें से एक अकलमंद आदमी ने कहा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि कल जो आदमी मस्जिदुल हराम में सबसे पहले दाखिल होगा वो इस झगड़े का फैसला करेगा। सब इस पर राजी हो गए। दूसरे दिन सबसे पहले मस्जिदुल हराम में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए। लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हुए इसलिए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे और बहुत ईमानदार थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों से कह दिया कि एक चादर ले आओ। जब चादर आ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से पत्थर उठाकर चादर पर रख दिया। फिर सब सरदारों से कहा कि चादर को कोनों और किनारों से उठा लें। उन्होंने ऐसा ही किया। सब लोग पत्थर लेकर खाना काबा के पास आ गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर उठाकर उसकी जगह पर रख दिया। इस तरह अल्लाह ताला ने पत्थर उठाने की सआदत भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी और सरदारों की लड़ाई भी टल गई। मक्का के लोग एक अल्लाह को मानने के साथ बहुत से बुतों को भी पूजते थे, यानी उनको अपना खुदा समझते थे। उन्हीं से दुआएं मांगते, उन्हीं के सामने झुकते और उन्हीं के लिए जानवरों को कुर्बान करते। मक्का के लोग बड़े जालिम थे, गरीबों और यतीमों से बहुत बुरा सलूक करते थे। औरतों के साथ तो उनका सलूक
बहुत ही ख़राब था। लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा ज़मीन में दफन कर देते। उसके अलावा शराब पीते, जुआ खेलते और एक दूसरे से बहुत लड़ते थे, यानी कि उनमें हर किस्म की बुराइयां पाई जाती थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत हाल से बहुत परेशान रहते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के करीब हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज़्यादा वक्त गारे हीरा में गुजारने लगे। गारे हीरा मक्का के करीब एक पहाड़ी में है। इस पहाड़ी का नाम जबलन नूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ काफ़ी दिन का खाना और पानी ले जाते और गारे हीरा में अल्लाह की इबादत करते। जब खाना ख़त्म हो जाता तो चंद दिन के लिए घर आ जाते। यहाँ पे आपने डेट लगा लेनी है और यहाँ तक रीडिंग लर्न करनी है और जो एक ब्लैंक आपको अंडरलाइन करवाई है वो आपने ब्लैंक लर्न करनी है और इसके साथ हम एक क्वेश्चन भी लर्न करेंगे। क्वेश्चन है, हजरे अस्वद को काबा में दोबारा लगाने का वाक्या अपने अल्फाज में लिखिए। ये वही जो अभी हमने बुक में पढ़ा है। तो इसका जवाब है, हजरे अस्वद एक मुतबर्रिक पत्थर है जिसे लगाते हुए सरदारों में लड़ाई हो गई, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकलमंदी से सरदारों की लड़ाई। तो ये एक क्वेश्चन है और कुछ रीडिंग है, रीडिंग आप भी करनी है और ये क्वेश्चन लर्न करना है और इसको नीट नोटबुक पे राइट करना है और लर्न करने के बाद आपने रफ नोटबुक पे भी राइट करके लिखना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।